रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी उत्तर प्रदेश से, जहां पर एसटीएफ के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। मथुरा में एसटीएफ ने बदमाश पंकज यादव को मार गिराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और 1 लाख के इनामी बदमाश पंकज यादव को मुठभेड़ में मार गिराया। मुख्तार अंसारी माफिया शहाबुद्दीन का शूटर था पंकज। यूपी एसटीएफ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया है, पंकज यादव को मार गिराया है। मथुरा में एसटीएफ ने जो स्पेशल टास्क फोर्स है उत्तर प्रदेश की, उसने 1 लाख के इनामी बदमाश पंकज यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मुख्तार अंसारी माफिया शहाबुद्दीन का शूटर था पंकज यादव, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, और यूपी एसटीएफ लगातार पंकज यादव की तलाश में थी और आखिरकार मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ ने मथुरा में बदमाश पंकज यादव को ढेर कर दिया है। मुख्तार अंसारी का शूटर था पंकज यादव। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, जिसमें एक बड़ी कार्रवाई यूपी एसटीएफ की ओर से की गई थी। मथुरा के अंदर एसटीएफ ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश पंकज यादव को ढेर कर दिया। आपको बता दें कि पंकज यादव मुख्तार अंसारी और माफिया शहाबुद्दीन का शूटर था, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से कर रखा था और लगातार पंकज यादव की तलाश जारी थी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मनीष का। मनीष, उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। मुख्तार अंसारी और माफिया शहाबुद्दीन के शूटर पंकज यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। अभी फिलहाल मामले में क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये दरअसल सुबह का मामला था। पंकज यादव की पुलिस लगातार तलाश में थी, तभी मुठभेड़ द्वारा सूचना मिलती है कि पंकज यादव अपने साथियों के साथ आगरा से दिल्ली वाले मार्ग पर ब्रज रसोई का जो क्षेत्र है यहाँ पर था, तभी पुलिस इसकी घेराबंदी करती है, जिसके बाद इसको पुलिस से मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में पंकज यादव की तरफ से करीब 10 राउंड गोली चलाई जाती है और मुठभेड़ के दौरान उसका साथी इसमें पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है, जबकि फायरिंग में पंकज के पैर में और सर में गोली लगती है, जिसके बाद इसको मृत घोषित कर दिया जाता है। जी मनीष, जैसा कि आपने बताया कि शूटर पंकज यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, लेकिन जो इसके साथी थे वो फरार है, तो उसकी पकड़ के लिए, धरपकड़ के लिए पुलिस ने क्या कुछ इंतजाम किया है? किस तरीके की नाकाबंदी की है? क्या कुछ पुलिस की तरफ से किया जा रहा है? पुलिस द्वारा जगह पूरा जो सील कर दिया गया है, पूरे हर जगह पर दिखे जा रहा है, जो भी लग रहा था जहाँ भी है, और मुख्यमंत्री से इसकी सूचना ली जा रही है, कहाँ जा सकता है, कहाँ पे होगा। इस तरह से अभी अगर बात की जाए, मथुरा पुलिस तो अलर्ट मोड पे है, लगातार अपराधियों की के लिए प्रयास कर रही है। जी मनीष, देखिए मुख्तार अंसारी की जो मार्च के अंदर उसकी मौत हो गई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार उनके जो गुर्गे थे, उसके जो गुर्गे थे या उसके जो शूटर थे, लगातार उसका धरपकड़ अभियान चला रही है, और इसमें एक बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ को आज हाथ लगी है, जिसमें उसके शूटर को मार गिराया है। और लगातार यूपी पुलिस जो मुख्तार अंसारी है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो माफिया राज है, उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए लगातार बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से लगातार अगर हम पिछले में देखें, जो भी अगर कोई मूवमेंट है, अगर कोई भी यूपी में कोई भी अपराधी अगर सर उठाता है, तो पुलिस उसको के इंतकाम तक पहुंचाती है, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों या जो भी हैं, जो भी माफिया हैं, और उनके खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।